अगर आप मेरे फिशिंग इन द वाइल्ड के एपिसोड्स फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा ये वाला टैंक में मैंने रखा है बहुत सारे आसपास से कलेक्ट किए हुए फिशेस, जिसे मैं वाइल्ड फिश टैंक के तौर पे इसे मैं रख रहा था। टेम्पररी सेटअप में मैंने बनाया था जिसमें मैंने बहुत सारी अलग अलग फिशेस रखी है। एंड नाउ अभी फिलहाल एक परमानेंट डिजाइन, एक परमानेंट स्कीप बनाने का समय आ चुका है इस टैंक का, जहाँ पे मैं बहुत सारी अलग अलग चीजें करने वाला हूँ। ऊपर में मनी प्लांट ग्रो कराएंगे, फिल्टरेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, नीचे के सारे सिस्टम को अच्छा करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मेरे को बहुत सारे हाइडिंग स्पेस देने हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक स्नेक हेड है और साथ में है एक ईल जो कि मैंने एक्सीडेंटली कैच कर लिया था। अगर वो सारी वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर फिशिंग इन द वाइल्ड वाले एपिसोड्स देखो, आपको पता चल जाएगा कहाँ से एक एक फिशेस को हमने पकड़ा है। इसमें टोटल आई थिंक सो 1 2 3 4 5 फिशेस हैं। जी हाँ 5 फिशेस है, 5 अलग अलग प्रजातियों की। तो हाँ, आप जाके देख सकते हो वो सारे लिस्ट यहाँ पे दी गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरे को इस टैंक का पानी खाली करना पड़ेगा, बिकॉज ये पानी में से मैं 50-60% सेव करके मैं फिर से यूज करने वाला हूँ। एंड सबसे पहले वही करेंगे, आओ। सो यहाँ पे मेरे पास अभी बहुत ही बड़े बड़े 4 टब्स है जिसमें मैं बहुत सारा पानी सेव कर सकता हूँ, और एक में मैं फिशेस को भी ऐड कर दूंगा निकाल के जब सारा पानी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये हम कर लेते हैं, सेव करते हैं पहले पानी इधर से निकाल के। सारे मॉन्स्टर यहाँ पे हो चुके हैं परेशान, देख के समझ में नहीं आ रहा इनको ये हो क्या रहा है मेरी जान। वाह, क्या शायरी बोल दी मैंने। अभी सबको मेरे को निकालना पड़ेगा। स्नेक हेड यहाँ पे छुपा हुआ है और वो ईल सबसे ज़्यादा छटपटा रहा था थोड़ी देर पहले। अब मैं इनको आसानी से निकाल सकता हूँ और बड़े मतलब जो पानी मैंने यहाँ पे रखा है उनमें से किसी में मैं डाल दूंगा अभी फिलहाल के लिए, एंड देन फिर हम अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ही वाज नाइस, मतलब एक बार में आराम से आ गया ये स्नेक को। आओ काटा काटा दे दिस। वाओ, लुक एट दिस नाइस लाल पूंछ। देख, कांटा मार के कोई फायदा है नहीं। देखो इस फिश का ये सेफ्टी मोड देख सकते हो, इसको जब महसूस होता है कि ये डेंजर में है तो यहाँ से अपने कांटे निकालना स्टार्ट कर देता है, जो कि मेरे को गड़ा रहा था। लेकिन इसको क्या पता, हम मैन वर्सेस वाइल्ड देख के आए हैं, इसका इलाज जानता है हम। इसको भी पकड़ना उतना मुश्किल नहीं था, ये गालियाँ देता है भाई, ध्यान से सुनोगे तो। सबसे मुश्किल का सवाल भाई, सांप को मैं पकड़ू कैसे? देखो भाई, मूवमेंट भी सांप जैसा दिखा रहा, ऐसे घूम रहा पानी के अंदर सांप की तरह, इसको मैं पकड़ूंगा कैसे? काटना मत, प्लीज काटना मत। क्यों गुस्सा हो रहा, रुक जा, आराम से आ जा ब्रो। हाँ, मैं पकड़ सकता हूँ इसको, हालांकि ये थोड़ा स्लिपरी है बट पकड़ तो सकता हूँ। फाइनली मॉक की सहायता के साथ हाथ में पकड़ के इसको आप अभी के लिए तो फिलहाल रिलीज कर सकते हैं ना। जाओ भाई, परेशान करता है भाई, तो बहुत स्लिपरी है, इनको मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं रख सकता बिकॉज ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो फटाफट हम वाला काम ख़त्म कर लेते हैं, इसको डेकोरेट करने वाला। अब सिंस मेरे को इस टैंक में नीचे में कोई प्लांटेशन करनी है नहीं, बिकॉज इसमें से जो फिशेस हैं उनको कुछ को वेजिटेशन खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है और उथल पुथल हो जाएगा, तो नो डेफिनेटली इसमें कुछ नहीं जाने वाला है प्लांट्स के मामले में। तो मैं सैंड को छेड़ना पसंद नहीं करूँगा। इसके ऊपर मेरे को डेकोरेशन करनी है जिसमें मैं हाइडिंग स्पेस बनाऊँगा, वो हम कर लेते हैं। मैंने ग्लास को भी थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश करा है, हालांकि जब मैं पानी भरूंगा उसके बाद मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगा। अभी फिलहाल डेकोर वाला काम करते हैं हम थोड़ा सा। सो हार्डस्केपिंग के नाम पे मैंने यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ जोड़ी है इधर उधर से, ताकि मैं यहाँ पे ये स्टिक्स के ऊपर में जो कि पानी के बाहर इवेंचुअली रहेंगे उस पे मैं मनी प्लांट उगा सकूँ। और उसके अलावा और कुछ मैंने करा नहीं है यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ कुछ ब्लैक रॉक्स के साथ कॉन्ट्रास्ट दे के कुछ पत्थर से इनको चाप दूँ नीचे में, वही मैं करूँगा अभी फिलहाल। कभी कभी मिनिमलिज्म भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, देख सकते हो इतना ही कर देने से ये काफ़ी सही लग रहा है, वो स्क्रैचेस और ग्लास की गंदगी अगर उमेट करो तो। तो हाँ, अब मैं फिलहाल यहाँ पे पानी भर सकता हूँ बिकॉज और मेरे को वैसे कुछ करना है नहीं इसमें डेकोर के मामले में। तो हाँ, फिल करते हैं पानी। इट्स ऑलमोस्ट मिनिमलिज्म का बेस्ट वर्शन काइंड ऑफ मेरे तरफ से। हाँ, तो भरते हैं पानी, भरते हैं। अब ना लग रहा है ये कुछ इनके नेचुरल हैबिटेट की तरह, हाइडिंग स्पेस, बहुत सारे लीव्स, पत्थर पुत्थर और बहुत सारे ड्रिफ्टवुड। अब मेरे को बस प्लांटेशन करना है ऊपर में, यानी कि यहाँ से मनी प्लांट में निकाल के कुछ कुछ को अटैच करूँगा ऊपर में, ताकि थोड़ा सा ग्रीनरी वाइब्रेंट लुक दे और वो एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स चूसे जाएँ उसके द्वारा।
ऑलराइट, प्लांट अटैचमेंट का भी हो गया, यहाँ पे काम खत्म। देखो काफी ऊपर में अच्छी हरियाली दिख रहा, अब मेरे को इसके रूट सिस्टम बस बढ़ते हुए नीचे में देखना है। हाँ, अभी मेरे को फिलहाल अटैच कर लेना है इसमें जो फिल्टरेशन वाला सिस्टम है, उसे मैं क्लीन करके इसके ऊपर प्लेस कर देता हूँ, एंड देन फिर इसे हम क्लीन होने के लिए कुछ टाइम तक छोड़ेंगे, देन हम फिश को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद सब कुछ सेट हो चुका है दोस्तों, फिल्टर वगैरह मैंने सब कुछ लगा दिया है, अब पानी क्लियर होने का वेट करते हैं हम। सो इस टैंक को सेटअप किया मेरे को ऑलमोस्ट 20 घंटे तो हो ही गए, अभी पानी काफी ज्यादा क्लियर हो चुका है। मैं कंडीशन दिखाता हूँ अभी फिलहाल, फिल्टर काफी अच्छे से चल रहा है। यहाँ पे मैंने एक मोटर लगा के इस टब में सारे फिशेस को रखा है, जो कि मैं देख लेता हूँ अभी खोल के। फिलहाल यहाँ पे है ये सारी फिशेस, देख सकते हो थोड़े बहुत अभी स्ट्रेस में आ गई है, मैंने लाइट जला दी इसीलिए। तो हाँ, अब इसमें मेरे को कुछ काम बचा नहीं है, सैंड थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो चुका है, लेकिन वो फिशेस इवेंचुअली उसको करने ही वाली हैं। थोड़े बहुत हाइडिंग स्पेस यहाँ पे डार्कनेस वाला मैटर दिख रहा है, मतलब इस एरिया में, तो वो चाके छुप भी सकते हैं। तो हाँ, अब हम इसमें फिशेस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बड़े आराम से। तो पकड़ते हैं एक एक को, डालते हैं इस टैंक में। बाय द वे, मनी प्लांट देखो, मत देखो, अब देखो, ठीक है। ये इवेंचुअली यहाँ पे ह्यूमिड होगा माहौल, मामला पानी, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा से इसमें ग्रोथ लेंगे, मेरे को रूट सिस्टम देख के कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। तो और कुछ नहीं, चलो बढ़ते हैं, इनको इंट्रोड्यूस करने का काम हम स्टार्ट करते हैं इसमें।